Is it wrong to try to pick up a girl in a dungeon? एपिसोड 2 के पहले सीन में हम एस्टिया को बेल का रैंक देखते हुए देख सकते हैं। एस्टिया को ये पता चलता है कि अब बेल का रैंक बहुत अच्छे से बढ़ चुका है और वो कंफ्यूज में होती है कि मुझे उसका रैंक बताना चाहिए या नहीं। और उसके बाद एस्टिया बेल का रैंक उसको बताने लगता है और बेल का अपने रैंक सुनने के बाद बहुत खुश होने लगता है। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 2 मॉन्स्टर फेस्टिवल। तो उसके बाद हमें एस्टिया और बेल को साथ में बातें करते हुए देख सकते हैं। एस्टिया ये कहती है कि अभी तुम्हें डंजिन पर बहुत अच्छी तरह से फाइट करना चाहिए। और उसके बाद बेल ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं एस्टिया को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हमें वो दोनों को कुछ देर तक बातें करते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर तक बातें करने के बाद बेल अपने घर से चला जाता है और हमें बेल को रेस्टोरेंट पर देख सकते हैं। जब बेल उस रेस्टोरेंट पर पहली बार आया था तब उसने उस खाने का पैसा नहीं चुकाया था। तो उसके बाद हमें बेल को पैसा चुकाते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद बेल कुछ देर तक उस होटल का स्टाफ के साथ बातें करने लगता है और कुछ देर बाद उसे एक ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें फेस्टिवल का माहौल को देख सकते हैं। उस फेस्टिवल पर हम बहुत सारे लोग को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं और कुछ देर बाद एस्टिया भी हम देखने को मिलता है। तो उसी टाइम पर लोकी भी आ जाती है और हम एस्टिया और लोकी को कुछ देर तक बातें करते हुए देख सकते हैं। वो दोनों ही लोग एक दूसरे को हेट करते हैं और ये सब देखने के बाद हमें एस्टिया और लोकी के बीच पर कुछ देर तक फाइट होते हुए भी देख सकते हैं। और कुछ देर तक फाइट करने के बाद लोकी उस जगह से चली जाती है और हमें एस्टिया को एक वेपन फेमिलिया से मिलते हुए भी देख सकते हैं। और उसके बाद हमें एस्टिया को बहुत खुश भी देख सकते हैं क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसका भी अब फेमिलिया है और उसका साथी था बेल। तो उसके बाद हमें दूसरा सीन पर बेल को देख सकते हैं और हमें बेल को एक शॉट को देखते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर बेल का दोस्त उस जगह पर आ जाता है और हमें वो दोनों ही लोग को बातें करते हुए देख सकते हैं और बेल का दोस्त उसके लिए एक सामान भी देता है। और उसके बाद हमें दूसरा सीन पर एस्टिया को वेपन मास्टर के साथ बातें करते हुए भी देख सकते हैं। वो ये कहती है कि मैं बेल के लिए एक वेपन बनाना चाहता हूँ। पहले तो वो वेपन मास्टर एस्टिया का बात नहीं मानती है और जब बाद में एस्टिया अपनी रीज़न बताने लगती है तब उसके बाद वो वेपन बनाने के लिए मान जाती है। तो उसके बाद हमें वेपन मास्टर को एस्टिया की मदद मांगते हुए देख सकते हैं और वो दोनों ही लोग मिलकर बेल के लिए वेपन बनाने लगती है। और उसके बाद हमें दूसरा सीन पर बेल को उस रेस्टोरेंट का स्टाफ के साथ बातें करते हुए देख सकते हैं और उस रेस्टोरेंट के स्टाफ उसके लिए एक काम देते हैं। हमें वो दोनों ही लोग को बेल को एक मॉन्स्टर फेस्टिवल के बारे में बताते हुए भी देख सकते हैं और ये सब बातें सुनने के बाद बेल को मॉन्स्टर फेस्टिवल के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद हमें दूसरा सीन पर एस्टिया और वेपन मास्टर को साथ में देख सकते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि बेल का वेपन अब रेडी हो चुका है। तो उसी टाइम पर हम एक फैमिलिया का गॉड को देख सकते हैं जो एक लड़की को खोज रही थी। तो उसी टाइम पर हमें बेल को एक लड़की को खोजते हुए देख सकते हैं उस मॉन्स्टर फेस्टिवल पर और हमें कुछ देर बाद एस्टिया भी उसके साथ मिलते हुए देख सकते हैं। जब एस्टिया बेल के साथ मिल जाती है तब वो लोग मार्केट पर घूमने जाते हैं और हमें वो दोनों ही लोग को मिलकर बहुत सारे खाने खाते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम एक कैरेक्टर को मॉन्स्टर को एक केज से फ्री करते हुए देख सकते हैं और बाद में वही मॉन्स्टर एस्टिया को चेस करने लगती है और हमें बेल और एस्टिया दोनों को ही उस मॉन्स्टर से दूर भागते हुए देख सकते हैं। जब बेल उस मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है तब उसी वक्त उसका शॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब होने के बाद बेल अपना दूसरा ट्रिक यूज़ करता है जिसकी वजह से वो लोग मॉन्स्टर से दूर भागते हैं। और ये सब होने के बाद हमें बेल को एस्टिया को एक सेफ जगह पर रखते हुए देख सकते हैं और उसके बाद बेल उस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें दूसरा एपिसोड का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है एस्टिया नाइफ द ब्लेड ऑफ अ गॉड।